अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक नहीं बल्कि तीन तीन तरह के पकौड़ों की रेसिपी लाई हूँ। तो आज हम बड़े ही मज़ेदार पकौड़ों का प्लेटर तैयार करेंगे और ये प्लेटर हम एक ही बैटर से तैयार करेंगे जो कि प्रीमिक्स मैंने आपको चैनल पे अपलोड कर दी है उसकी रेसिपी, तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से चेक कर लीजिएगा। यहाँ हम जो पकौड़े प्लेटर में पकौड़े बनाएंगे उसमें हम बनाएंगे पालक के पकौड़े, साथ यहाँ पर मिक्स सब्जी के पकौड़े बनाएंगे जिसमें हम आधा कप शिमला मिर्च, आधा कप हरी प्याज, आधा कप गोभी और साथ ही साथ दो कटी हुई हरी मिर्चें लेंगे। और हम बनाएंगे यहाँ पर आलू के पकौड़े। आलू के पकौड़ों के लिए मैंने बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस कट कर लिए हैं और थोड़ा सा मैंने पानी लिया है बैटर बनाने के लिए। और यहाँ पर हम जो बैटर बनाएंगे जिस प्रीमिक्स है इसकी रेसिपी मैं चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, ज़रूर चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक ज़रूर मेंशन कर दूँगी। तो ये देखिए, इसे मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड किया है और पानी ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें लम्स ना बने और मैं इतना ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी कि ये बहुत ज़्यादा रनी बैटर बन जाए। बिल्कुल हमने थिक और इनके बिल्कुल बीच में हमने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। तो ये देखें, हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है और यहाँ हमने पहले से ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर ताकि आलू भी गल जाएं और जो बेसन है वो अच्छे से पक जाए। तो इसकी हमने कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह की रखी है कि पकौड़ों पर भी लेयर आ जाए और ये बिल्कुल भी लम्स ना हो इसमें। तो अब पहले हमने आलू के पकौड़े बनाए हैं। आलू के पकौड़ों की हमने बिल्कुल बहुत ज़्यादा थिन स्लाइस नहीं करनी और ना बहुत ज़्यादा थिक स्लाइस करनी है, नहीं तो ये कच्चे रह जाएंगे। तो ये देखें, तकरीबन 5 से 6 मिनट बाद बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हमने इसको फ्राई किया है ताकि आलू जो है कच्चे ना रहें और हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और ये हमारे जो आलू के पकौड़े हैं। तो यहाँ आलू के पकौड़े बिल्कुल तैयार हैं। इसमें मैंने सोडा बिल्कुल भी ऐड नहीं करा है क्योंकि आलू के पकौड़ों में सोडा बिल्कुल भी ऐड नहीं होता है, सोडा जो है सिर्फ सब्जियों के पकौड़ों में ऐड होता है। तो यहाँ पर अब हम जो सेकंड पकौड़े बनाएंगे वो है पालक के पकौड़े। पालक के पकौड़े में हमने पालक का पत्ता लिया है और उसको अच्छे से हम बेसन में डिप करेंगे और इसमें ऑयल में ऐड कर देंगे। पालक का पकौड़ा जो है तकरीबन 2 से 3 मिनट पे तैयार हो जाएगा क्योंकि पालक का पत्ता बिल्कुल हल्का सा होता है तो इसमें ज़्यादा फ्राई होने में टाइम नहीं लगता। जो असल टाइम लगता है वो होता है बेसन को फ्राई होने में। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये हमारा पालक के पकौड़े ही बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ हमारा पालक का पकौड़ा भी बिल्कुल तैयार है। अब हम जो तीसरा पकौड़ा है वो है मिक्स सब्जी का पकौड़ा, वो हम बनाएंगे और उसमें हम थोड़ा सा सोडा ऐड करेंगे ताकि जो तेल है वो पकौड़ों में ज़्यादा एब्जॉर्ब ना हो। तो यहाँ हम जो बैटर लिया है इसमें हम जो सब्जियाँ है वो ऐड करेंगे, गोभी, शिमला मिर्च और हरी प्याज, और इसमें हम थोड़ा सा सोडा भी ऐड करेंगे ताकि जो पकौड़े हैं वो ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब ना करें। और ये सब ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद इसको तेल में ऐड करते जाएंगे। और तकरीबन 5 से 6 मिनट में हमारे ये जो मिक्स सब्ज़ी के पकौड़े वो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। हमने इनको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको फ्राई करना है ताकि ये गोल्डन ब्राउन हो तो ये अंदर से भी अच्छे से फ्राई हो जाए और बेसन कच्चा ना रहे। तो अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो ये देखिए, हमारे जो पकौड़े हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं इसको प्लेटर में ऐड कर लूँगी। पालक के पकौड़े बहुत ज़्यादा खस्ता बनते हैं तो इसकी आप चाट भी बना के खा सकते हैं। और ये थी आज की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और ऐसा कैसे हो सकता है कि रमज़ान आए और पकौड़े ना बने, क्योंकि रमज़ान की हर इफ्तारी पकौड़ों के बगैर अधूरी होती है। तो ये बनाएं, ज़रूर ट्राई करें और अपना टाइम सेव करें, बैटर प्रीमिक्स बना के स्टोर करके रख लें ताकि आपको इफ्तारी में आसानी हो। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।